Tried this mango, divide this mango. मैंगो की जगह कुछ भी ले सकते हो आप. डिवाइड दिस पेन, पेन तो होगा नहीं, तो हम एक काम करते हैं, इसको मैंगोज कर देते हैं, इसको पेंस कर देते हैं, ठीक है. और यहाँ हम दीज कर देते हैं, डिवाइड दीज, मैंगोज पेंस. अब यहाँ है बॉयज, द बॉयज, द बॉयज. अब यहाँ देखो के बीच हमको लिखना है, लिखना है के बीच, के बीच. और के बीच का अंग्रेजी होता है तीन. बिटवीन मीन्स होता है के बीच में, एमोंग माने होता है के बीच में, और एमोंगस्ट मीन्स होता है के बीच में, के बीच में, ठीक है. तो अब ध्यान दो, बिटवीन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, एमोंग का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, और एमोंगस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाएगा. तो खास करके ये ध्यान देना है कि कहाँ प्रयोग किया जाना है. जब संख्या दो लोगों की रहेगी, दो लोगों की रहेगी तो एमोंग का प्रयोग, सॉरी बिटवीन का प्रयोग, दो का प्रयोग है तो बिटवीन का, और बहुत लोगों का है, दो से अधिक है तो प्लूरल के लिए एमोंग का प्रयोग. अब एमोंग्स का प्रयोग कहाँ होगा, जब प्लूरल हो, प्लूरल हो और जो वर्ड शुरू हो वो वावेल से शुरू हो, ठीक है, वावेल से स्टार्ट हो, वावेल से स्टार्ट हो. और वावेल्स का मतलब क्या, हिंदी के वावेल से स्टार्ट हो. जैसे एग्जांपल देखो, अब यहाँ क्या आ रहा है, द बॉयज, द बॉयज. अब यहाँ जो द बॉयज है, द से शुरू है ना, तो एमोंग का प्रयोग होगा, एमोंग का प्रयोग होगा. एक और एग्जांपल देखो, सेम इसी को मैं लिख रहा हूँ, डिवाइड दीज पेंस, डिवाइड दीज पेंस. और यहाँ हमने लिख दिया आवर ब्रदर, आवर ब्रदर्स, ठीक है. और देखो यहाँ प्लूरल तो हुआ लेकिन अ से शुरू हुआ ना, आवर ब्रदर्स, तो यहाँ एमोंग का प्रयोग रहेगा, सॉरी एमोंगस्ट का प्रयोग रहेगा, एमोंगस्ट, एमोंग का प्रयोग नहीं रहेगा, याद रखना एमोंगस्ट का प्रयोग रहेगा. अगर इसी को हम कह दें डिवाइड दीज पेंस, और यहाँ हमने दे दिया, और यहाँ लिख दिया राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो फिर यहाँ एमोंगस्ट या एमोंग नहीं होगा, यहाँ होगा बिटवीन. बिटवीन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखो दो ही लोगों की संख्या है, तो खास करके याद रखना. अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ए पर्सन, ए पर्सन ब्लू, ब्लू हीज कार्स हार्न, कार्स हार्न. अब यहाँ दे दिया द बाल्स, द बाल्स का मतलब क्या है, बाल का मतलब गेंद, जानते हो ना गेंद जो फेंका जाता है क्रिकेट में, तो एक व्यक्ति ने अपने कार का हार्न बजाया द बाल्स, बाल के बीच में, गेंद के बीच में. तो आप एक बात बताओ कि जो गेंद फेंका जाता है तो किस गेंद के बीच में फेंक सकते हैं, एक गेंद जो फेंका गया है वो और एक गेंद जो फेंका जाएगा वो, तो दो ही गेंद हुआ ना. यहाँ द बाल्स लिखा हुआ है लेकिन फिर भी क्या लगेगा, बिटवीन लगेगा. तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना कि कौन सी चीज़ें हैं जो प्लूरल रहेंगी लेकिन दो ही रहेंगी, ठीक है. तो यहाँ बिटवीन लगेगा ना कि एमोंग लगेगा. एक एग्जांपल और लेते हैं, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मी. अब हम लिख देते हैं 9 AM एंड 6 PM. तो 9 बजे से 6 बजे तक तो कई घंटे हो गए,
लेकिन 9 से 6 दो ही है ना, तो यहाँ हो जाएगा बिटवीन, बिटवीन हो जाएगा। तो इस तरह के एग्जांपल्स जो है आप ध्यान दो और बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स को करो। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद।